मेवात के किसानों ने आईएमटी रोजकामेव का काम रोकने का किसानों का ऐलान। आगामी 13 अगस्त को महापंचायत कर रोका जाएगा निर्माण कार्य। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के किसान नेता महापंचायत में करेंगे शिरकत। बता दें कि आईएमटी सोहना रोजकामेव में चल रहे निर्माण कार्य को आगामी 13 अगस्त को कई राज्यों के बड़े किसान नेताओं की मौजूदगी में महापंचायत के बाद रोक दिया जाएगा। बुधवार को धरना दे रहे नौगांव के किसानों ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि नूहू जिले के घीरदोका गांव में 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर नौगांव के किसान उचित मुआवजा नहीं मिलने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वर्ष 2010 में नौगांव के 16 एकड़ भूमि का सरकार ने आईएमटी रोजकामेव बनाने के लिए अधिग्रहण किया था। उस समय किसानों को तकरीबन 46 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। वर्ष 2012 से नूहू जिले के रवासन, खेड़ी, कंकर, महरौरा, बड़ेलाकी, छापड़ा, रोजकामेव इत्यादि गांव के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के समय जो उनसे हल्फनामे लिए गए थे उनमें जानबूझकर उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके कानूनी अधिकार छीन लिए थे, जिसकी वजह से किसानों को ये दिक्कत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्हें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन अधिकारियों से लेकर नेताओं तक से किसान बार बार मुलाकात कर रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया, इसलिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि आगामी 13 अगस्त को महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन से बड़े नेताओं के अलावा कई संगठनों के नेताओं को बुलाया जाएगा। इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के किसान भाग लेंगे। किसानों का कहना है कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। किसानों का कहना है कि अब किसी भी कीमत पर वे अपना हक लेकर रहेंगे। युवा किसान नेताओं से लेकर कई किसानों ने कहा कि उस समय कई वायदे किसानों से किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया गया। यहां पर जो स्थानीय युवा हैं उनको औद्योगिक इकाइयों में रोजगार भी मुहैया नहीं कराया गया। आपको बता दें कि इस समय आईएमटी रोजकामेव में एशिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा अधिग्रहण की गई जमीन में सीवर लाइन से लेकर सड़क बनाने इत्यादि निर्माण कार्य चल रहे हैं। नूहू जिले के किसानों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला तो आगामी 13 अगस्त को किसान और पुलिस बल आमने सामने भी आ सकते हैं। लिहाजा समय रहते किसानों से सरकार द्वारा बातचीत कर कोई स्थायी समाधान अधिग्रहण की गई जमीन का निकालना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आगामी 13 अगस्त को होने वाली किसान महापंचायत के बाद आईएमटी रोजकामेव का निर्माण कार्य रोका जाता है या फिर उससे पहले ही किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर आपसी सहमति बनती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किसानों के इस बड़े ऐलान से सरकार व प्रशासन की मुसीबत बढ़ने का काम कर दिया है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। 29 फरवरी से मेरा नाम सिराजुद्दीन है, मैं किसान कमेटी का सदस्य हूं। हमारा धरना 29 फरवरी से चल रहा है। लगभग हमारी 4-5 पंचायतें हो चुकी हैं। हर पंचायत में सरकार ने टाइम मांगा था, किसानों ने सहमति से टाइम दिया। अंतिम जो हमारी पंचायत हुई थी 4 जुलाई को, उसमें प्रशासन के अधिकारी ने 5 हफ्ते का टाइम मांगा था, किसानों ने राजी होकर 5 हफ्ते का टाइम दिया और आज वो 5 सप्ताह पूरे हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने ना तो हमारी जो मुख्य दो मांगे थी कि 25 लाख जो हमारा पेंडिंग मुआवजा चला रहा है विद इंटरेस्ट के, और जो हमसे धोखे से एक एग्रीमेंट साइन किया था, ये दो चीज़ों की मांग थी। लेकिन सरकार ने ना तो अभी इनका कोई संतुष्ट जवाब दिया है ना, और जो हमारी 10 मुख्य मांगे थी ना उनका कोई जवाब दिया है। तो किसानों ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से 13 तारीख एक बहुत बड़ी महापंचायत जिसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी
सारे किसान संगठन और सारे किसान जो है कि आके एक बड़ा पंचायत करेंगे 13 तारीख को। और जो HSIDC का जो काम चल रहा है, रोड का, सड़क का, पाइपलाइन का, मिट्टी का, उसको जो है फौरन बंद करेंगे। एक मिनट का भी ना कोई अल्टीमेटम दिया जाएगा और ना सरकार को टाइम दिया जाएगा। कितने गांव के ये किसान हैं? ये 9 गांवों के किसान हैं जी। लगभग 1600 एकड़ जमीन ये हमारी अधिग्रहण हुई थी, और जिस टाइम ये जमीन अधिग्रहण हुई थी उस टाइम कांग्रेस की हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM होते थे, और हमारे यहाँ के मंत्री जी चौधरी आफताब अहमद होते थे। जो किसानों के साथ जो काला एक एग्रीमेंट किया है वो कांग्रेस की एक साजिश के तहत जो है कि किसानों के साथ एक एक प्रदेश और दो कानून बनाने का कांग्रेस सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात के किसानों के साथ दोगला व्यवहार किया है। किसान क्या उसमें किसान बड़े नेता आएंगे किसमें जी? पंचायत में हाँ, उस पंचायत में जो है राकेश टिकैत जी की भारतीय किसान यूनियन के बड़ी बड़ी जो है के नेता उसमें आएंगे, दिल्ली के और तमाम जो है के स्टेटों से बड़े बड़े किसान नेता उस पंचायत में शिरकत करेंगे। ये पंचायत कहाँ पर रखी जाएगी? ये पंचायत अपना धीरदो का गांव में ये पंचायत रखी जाएगी। सबसे जब मुलाकात होगी जी, बाकी अभी तो किसान जो है के नाउम्मीद होकर धरने पे जो है बैठा है। जय साहब, आज मीटिंग हुई है, क्या फैसला किसानों ने लिया है? मीटिंग का यह फैसला कि 13 तारीख को जो पंचायत की हमने डेट रखी है, सरकार को जो हमने टाइम दिया था, उन्होंने 5 हफ्ते का टाइम लिया, उस पर सरकार का हमारे पास कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, इसलिए हमारे 13 तारीख के लिए हमने ये मीटिंग रखी है। क्योंकि आज कुछ निर्णय लिया गया है, आज लास्ट यानी कि 7 तारीख है, 7 तारीख का आपने निर्णय लिया था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, अगला कदम क्या होगा? आप मीटिंग में जो अगला कदम, तो काम रोकने का हाफिज साहब ने जैसे बताया कि सरकार को जो हमने टाइम दिया था वो टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन हमारी असली जो इसमें मुख्य जो लड़ाई चल रही है, ये जो एग्रीमेंट हमारे साथ में जो ये धोखे से जो एग्रीमेंट लिखा गया, ये उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा CM थे, तो उसमें इसमें षड्यंत्र के तहत में हमारी हमसे जब एग्रीमेंट लिखा गया 2012 में 10वें महीना में, और आफताब ने अपनी जमीन को 2012 में 12वें महीना में 19 तारीख 12वें महीना और 2012 में लगभग 1.5 महीने बाद में इसने अपनी जमीन को आर जोन में किया। हुड्डा ने इसको इसका तोहफा दिया कि भाई तुमने उस 9 गांव के किसानों के साथ में ये धोखा किया है, तो इसको लेकर हमें कांग्रेस सरकार पर इस चीज को बहुत हमारे साथ अन्याय हुआ है, इसकी लड़ाई हम लगातार इस एग्रीमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी किसानों से ये एग्रीमेंट नहीं लिया गया, तो हमें आगे BJP से भी उम्मीद थी। 2014 में BJP सरकार बन गई, उस टाइम पे संजय यहाँ से हल्का प्रत्याशी थे, वो हमारी धरना पर आए और हमें घोषणा करके गए मुआवजे के बारे में, लेकिन वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जाके जो उस टाइम पे MLA था NLO से, उसकी वजह से षड्यंत्र के तहत हमारा धरना पुलिस बल से उठवा दिया। कौन से की जवाब? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास जी, पिछले साल कब से धरना शुरू हुआ था, कब तक चला था, किस तरह की रणनीति बनाई गई थी, और किस तरह से आप दोबारा से आप जो है मुआवजे मांग रहे हैं? देखिए, अगर आप प्रेजेंट की पूछते हो तो 29 फरवरी से हमारा धरना चालू है, और अगर पिछले आप बात करते हो तो जब कांग्रेस का दौर था, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हुड्डा ने हमारे साथ में जो काले कानून थे वो हुड्डा सरकार ने बनाए थे, और किसानों के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करा लिया जिससे कि किसान कोर्ट में भी ना जा सके। अगर इसकी CBI जांच कराई जाए तो मैं तो BJP सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि अगर इसकी CBI जाँच कराई जाए तो इसमें हुड्डा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े चेहरे आएंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने इतना बड़ा ही गोलमाल किया है। क्या चाहते हैं हम लोगों? देखिए, चाहने का काम यह है जनाब, यहाँ IMT का काम चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन हम उस विकास को कतई बर्दाश्त नहीं करते जो जमींदारों के हकों का हनन करके, जमींदारों का विनाश करके जो विकास किया जाए, हम ऐसे विकास को नहीं होने देंगे। हमारी मांग है जो 25 लाख रुपए हमारे बकाया हैं वो विद इंटरेस्ट के हमें मिले, और जो हमसे काले कानून कांग्रेस सरकार ने कराए थे, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा आज कांग्रेस सरकार ने एक यात्रा चला रखी है, माननीय अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे कि हरियाणा मांगे न्याय या हरियाणा मांगे जवाब, ऐसी कुछ यात्रा है। मैं इनवाइट करता हूं दीपेंद्र हुड्डा को, अगर वो CM चेहरा बनता है हरियाणा में तो वो 9 गांवों के बीच में आए और ओपन डिबेट हमसे करे, फिर हम उसे बताएंगे कि आप
खुद अन्याय करके आप न्याय की बात करते हो, ये दोगलापन कहां तक चले गए। बिल्कुल उनकी सरासर गलत बात थी जो कि हमसे एग्रीमेंट साइन करा ली। प्रशासन भी यहां पर आया था, उसने प्रशासन आया था। जनाब देखो, हम इंडियन आदमी हैं, इंडियन के हम जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हम पालना करते हैं, संविधान की हम कदर करते हैं। गांधीवादी तरीके से हमारा धरना चल रहा है। प्रशासन के लोग आए थे, माननीय SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, DSP वगैरह, HSIDC के बड़े बड़े अधिकारी आए थे। हमारा गांधीवादी तरीके से पूरा मामला चल रहा है। जब जब उन्होंने जितना जितना टाइम मांगा हमने टाइम दिया, लेकिन अब सबर का घड़ा बिल्कुल भर चुका है। अब सारे नौगांव के जमींदारों ने इकट्ठा होकर ये कड़ा फैसला लिया है, आने वाली 13 तारीख को IMT का हम पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। ये नौगांव का कड़ा फैसला है। कितनी भीड़ वहां पे जुड़ी? भीड़ की तो जनाब आप उसी दिन देख लेना, अपनी नजरों से ही देख लेना। इसमें बड़े बड़े उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, UP वगैरह के, दिल्ली वगैरह के बड़े बड़े किसान संगठनों के बड़े बड़े नेता आएंगे, और उस दिन हम बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। IMT का हम पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। ठीक है।